बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान का एक बहुत ही चौंकाने वाला स्टेटमेंट सामने आया है। करीना ने सैफ अली खान की पहली पत्नी यानी कि अपनी सौतन अमृता सिंह के बारे में बात करते हुए जो कहा, सुनकर आपको हैरानी होगी। करीना ने स्वीकार किया था एक बार कि वो हमेशा अमृता सिंह की फैन रही, उन्होंने हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट दिया है, भले उनसे उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन सैफ से उनकी शादी हुई थी और उनके रिश्ते के बारे में उन्हें सब कुछ पता है। ना ही वो सैफ अमृता के बीच आई, क्योंकि अमृता सैफ के तलाक के बहुत सालों बाद वो सैफ के करीब आई थी। करीना ने कई बातें शेयर भी की है सैफ अली खान से, उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसी अमृता को लेकर ये भी उन्होंने बताया। पीपल मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में करीना ने बात की थी 2008 में अमृता सिंह के बारे में। उन्होंने कहा तो वो हमेशा अमृता को रिस्पेक्ट देना चाहती हैं और देती रहेंगी। अमृता काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस रही, वो उनकी हमेशा फ़ैन रही हैं और वो तो सैफ को भी और अमृता को भी यही चाहती हैं कि वो दोनों अच्छे दोस्त रहें। जी हाँ, अमृता सैफ को मिलाना चाहती हैं करीना, वो चाहती हैं कि सैफ और अमृता रिश्ता ना तोड़े, दोस्ती तो कम से इनके बीच रहे कम से कम। करीना ने कहा, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट सैफ वॉज मैरिड बिफोर एंड ही हैज़ टू लवली चिल्ड्रेन। मैं अमृता सिंह की फ़ैन रही हूँ, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी फ़िल्मों के ज़रिए उनके बारे में काफ़ी कुछ पता है और मैं उन्हें जानती हूँ फिल्मों के ज़रिए। मेरे लिए वो हमेशा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती हैं सैफ अली खान मेरे पति की ज़िंदगी में। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सैफ अली खान की ज़िंदगी में पहली पत्नी की जगह बनाई, अपने बच्चों की वो माँ है, सैफ अली खान के बच्चों की वो माँ है, इसलिए वो मेरे लिए भी मायने रखती है। मैंने सैफ से कई बार ये कहा है, मैं तो उनको चाहती हूँ कि वो हमेशा ही कांटेक्ट में रहें, लेकिन शायद अमृता ऐसा नहीं चाहती। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही सीख दी है, एट लास्ट शादी जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्कआउट करे। मैंने हमेशा सैफ को इंक्रेज किया है कि वो अपनी पहली पत्नी के साथ दोस्ती बनाए रखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बेहतर होगा। मुझे सैफ के बच्चों से दिक्कत नहीं, फिर उनकी माँ से दिक्कत क्यों होगी? उनके बच्चों को मुझसे इसलिए भी दिक्कत नहीं क्योंकि मुझे उनकी माँ से दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक होगा, सैफ और अमृता भी एक दूसरे से बातें करेंगे और दोस्ती ज़रूर होगी। मैंने हमेशा ही ये चाहे वो जहाँ रहे जैसे भी रहे खुश रहे, मेरे मन में उनके लिए कभी भी कोई खटास से भरे कोई भी शब्द नहीं हो सकते, किसी भी तरह का खटास नहीं हो सकता। रिलेशन के बारे में बात हुई तो सैफ को लेकर मैं कंसर्न हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैटर नहीं करता। तैमूरी खान और जहांगीर के जन्म के बाद सैफ और अमृता के बच्चे सारा और इब्राहिम ने जितना प्यार तैमूर और जहांगीर को दिया है, इसकी वजह से उनके मन में और भी सम्मान बढ़ा है। नेशनल लाइव स्क्रिप्टिंग रिपोर्ट।